हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे एक नए सिस्टम के बारे में, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन जो है रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, लाइक रेस्पिरेशन, राइट। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो भी अपन ने खाना खाया है उस खाने का जो है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना। इट मींस इफ ईटन फूड इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, जो भी अपन ने स्टफ लिया है, स्टफ लेने के बाद में वो फूड अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। सबसे पहले रेस्पिरेशन तो हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन के लिए मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रीदिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि सराउंडिंग से गैसेस को लेना और सराउंडिंग के अंदर गैसेस को छोड़ना, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। अब मतलब कि इसमें भी दो चीजें देखने को मिल रही है, वन टाइम वी आर इनटेकिंग द गैसेस एंड सेकंड टाइम वी आर रिलीजिंग द गैसेस, राइट। एक बार अपन गैसेस ले रहे हैं, एक बार अपन गैसेस छोड़ रहे हैं। सो ब्रीदिंग जो है आगे चलकर इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज ब्रीदिंग इन एंड सेकेंड इज ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन का मतलब वर्ड इन से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अपन गैसेस ले रहे हैं, इनटेकिंग ऑफ गैसेस। गैसेस को अंदर लेना, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग इन। जैसे जस्ट लाइक इफ वी डू एक्सपेरिमेंट, लाइक जो है चेस्ट बाहर निकल गई है, वाई, बिकॉज गैस अंदर चली गई है, मोस्ट ऑफ द जो है वॉल्यूम गैस ने कवर कर लिया है, राइट, दैट इज ब्रीदिंग इन। सेम वैसे ही अपन देखें ब्रीदिंग आउट, रिलीजिंग ऑफ गैसेस मतलब कि गैसेस को बाहर रिलीज करना, गैसेस को छोड़ना, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग आउट। कंटिन्यूसली लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करते रहते हैं, इनटेकिंग एंड रिलीजिंग, ये फिनोमिना कंटिन्यूसली चलता रहता है, राइट। ब्रीदिंग इन को जो है इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंस्पिरेशन, और ब्रीदिंग आउट को बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो जब भी अपन रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, मोस्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, एनिमल और प्लांट के अंदर, जब भी कोई भी एनिमल और प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, दैट इज श्योर कि फूड किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। बट इस प्रोसेस के अंदर एयर की रिक्वायरमेंट होती है, फूड को एनर्जी में बर्न होने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें भी कौन सी एयर की, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन को जिस प्रोसेस के थ्रू अपन लेते हैं, दैट प्रोसेस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होती क्या है, गैसेस को लेना और गैसेस को छोड़ना, दैट फिनोमिना इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में भी अपन ने दो चीजें देखी हैं, वन टाइम वी आर इनटेकिंग द गैसेस, दैट इज ब्रीदिंग इन, ऑलराइट, इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्पिरेशन, एंड सेकेंड इज ब्रीदिंग आउट इन विच वी आर रिलीजिंग द गैसेस, जिसके अंदर जो है अपन क्या कर रहे हैं, गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन का होने से पहले ब्रीदिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीदिंग नहीं होएगी तो जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी नहीं होएगी। बट कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन के होने के लिए जो है ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और फूड जो है बिना एयर के ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी बैक्टीरिया हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर भी अपन को ऐसे देखने को मिलता है, उनके बारे में भी बात करेंगे आगे चलकर। जो है अपन रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी रेस्पिरेशन के अंदर अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रीदिंग देखी है, ब्रीदिंग के बाद में जो है अपन बात करेंगे इसके बारे में, रेस्पिरेशन के टाइप्स। रेस्पिरेशन के जनरली दो टाइप होते हैं, नंबर वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन
एंड नंबर सेकंड इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी अपन बात करेंगे. आई होप आज मैंने जो आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताई है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और फूड इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन. बिफोर दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टेक्स प्लेस, ब्रीदिंग. इट इज ऑफ टू काइंड्स, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.